हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की चुनावी रणभूमि का संकनाद हो चुका है। राजनीतिक पारी की इस प्रथम पंक्ति के लिए बार प्रतिवार का भी दौर भी गर्म हो चला है। प्रदेश में दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस पूरा दमखम इन चुनावों में झोंक रहे हैं। उम्मीदवार के चयन से लेकर प्रचार अभियान तक में से 100% ताकत लगाई जा रही है। प्रदेश के ऊना में जिला परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन और प्रचार से इनकी वानगी स्पष्ट दिखाई देती है। दोनों राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। फिलहाल घर घर संपर्क अभियान से माध्यम से लोगों से मिलने का दौर जारी है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रदेश और देश की बीजेपी सरकार की नीतियों को अपनी ढाल बनाकर जनमानस को अपने पक्ष में लगे हैं। रायपुर वार्ड से नीलम कुमारी को इसका अच्छा प्रभाव जनमानस में मिलता दिख रहा है। जैसे कि हमारी केंद्र में भी भाजपा की सरकार और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और उनके विकास कार्यों को लेकर हम लोगों को बता भी रहे हैं और डोर टू डोर घूम भी रहे हैं और अपने लिए वोट की मांग भी कर रहे हैं। इस तरह से हम डोर टू डोर घूम रहे हैं और जनता हमारा सहयोग कर रही है। किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमारी पार्टी की तरफ। जैसे कि मोदी जी ने बहुत कार्य कराए हैं और हमारे जयराम जी ने बहुत कार्य करवाए हैं, तो इन सब विकास कार्य को देखते हुए जनता हमारा बहुत सहयोग कर रही है। नीलम जी, ये बताएं कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आपके विरोध में जो खड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो किसान बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वो किसानों के साथ खिलवाड़ है, उसमें किसानों के साथ धोखा किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब इस बिल को लेकर वो राजनीति कर रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट है कि इस बिल का हल निकालने का पूरी कोशिश करेगी। तो मानती है जे बिल किसानों के हित में है? हाँ जी, जे बिल किसानों के हित में है, परंतु जो कांग्रेस है जे इस बिल का विरोध कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जे बिल किसानों के हित के लिए ही है।